एपोकलिप्टो वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी, जिसमें हमें अमेरिका की मॉडर्न सिविलाइजेशन से पहले की कहानी को दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका में पहले माया सभ्यता थी और ये छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे, और उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन इन्वेडर्स आए जिन्होंने इनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया, और ये कहानी उसी माया सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है। तो मूवी शुरू होती है और हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। और दरअसल ये कबीले आज भी पुराने रीति रिवाजों और पुराने तौर तरीकों से चलते हैं। इन्होंने जंगल में हर जगह पर फंदे लगाए होते हैं, जिसकी जानकारी सिर्फ इनके ही कबीले के लोगों को होती है कि इनका फंदा कहां कहां पर लगा है। तभी उस सुअर का जिसका ये शिकार कर रहे होते हैं उसका पैर उसी फंदे की रस्सी से टकरा जाता है, और जैसे ही उसका पैर रस्सी से टकराता है सामने से एक बहुत ही बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आता है जिसमें नुकीली नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं और सुअर के शरीर में धंस जाती हैं। अब सुअर की मौत हो जाती है जिससे ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। एक्चुअली ये कबीला बहुत ही मस्ती करने वाला होता है और सबके सब वहाँ बैठकर हंसी मजाक करते हुए उस शिकार को काटना शुरू करते हैं। अब सबको एक एक टुकड़ा खाने के लिए दिया जाता है, जैसे किसी को दिल दिया जाता है, किसी को कान देते हैं, किसी को नाक देते हैं। उनमें से एक इंसान ऐसा होता है जिसकी संतान नहीं हो रही होती और सब उससे बहुत मजाक करते हैं, और जब उसकी बारी आती है तो वो उसे सुअर के टेस्टिस निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि इसे खाने से संतान हो जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पिता ने इसे 10 बार खाया था, और देखो आज मेरी 8 बहनें हैं, एक बड़ा भाई है और एक मैं, यानी हम टोटल 10 भाई बहन हैं। और उसे जो ये बोल रहा होता है वही इस मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम है जैगुआर पो। उसके पिताजी भी पीछे खड़े होते हैं और वो आदमी इशारे से उनसे पूछता है कि क्या आपने सच में खाए थे। वह बोलता है हाँ। अब जैसे ही वह उसे मुंह में डालता है उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, वह उसे खा ही नहीं पाता, उसे उल्टी आ जाती है। अब इतने में सब हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी हीरो के पिताजी जो इस कबीले के सरदार भी हैं, जिन्होंने उसे कहा था कि मैंने भी खाया है, वो पीछे से आते हैं और उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं और उसको अपने साथ साइड में ले जाकर कहते हैं कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुम बार बार मजाक का पात्र क्यों बनते हो। वो बोलता है कि मेरे बच्चे नहीं होते इसलिए ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं मेरे पास एक ऐसी दवा है जिसको यूज करने से तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे। वो कहता है क्या सच में ऐसा हो सकता है। सरदार कहते हैं हाँ ऐसा हो तो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि जो दवा मैं तुम्हें दे रहा हूँ ये बहुत ही स्ट्रांग है। वो कहता है कि प्लीज मुझे ये दवा दे दो, मैं किसी भी तरह से बाप बनना चाहता हूँ और इन सब का मुंह बंद करना चाहता हूँ। सरदार कुछ पत्ते निकालता है और उसे देता है, वह उसे खाने ही वाला होता है लेकिन सरदार उसे रोकते हुए कहता है इसे खाओ मत, बल्कि जब तुम संभोग करोगे उससे पहले इसे अपने लिंग में लगा लेना, लेकिन खाना मत। और तभी हमारे हीरो यानी जैगुआर पो को एहसास होता है कि उसके पीछे झाड़ियों में कोई है। वो खड़ा होकर उस तरफ देखने लगता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वहाँ झाड़ियों से कुछ आदिवासी निकलते हैं और इनके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियाँ रख देते हैं। वह कहते हैं कि हम यहाँ से गुजरना चाहते हैं, बदले में ये भी अपने शिकार का एक टुकड़ा जो इन्होंने अभी अभी किया होता है उन्हें देते हुए यहाँ से गुजरने की परमिशन दे देते हैं। और अगले ही पल झाड़ियों के पीछे से बहुत सारे आदिवासी निकलते हैं और ये सब के सब वहाँ से जाने लगते हैं। जैगुआर पो देखता है कि इनमें से बहुत सारे लोग घायल होते हैं, वह इनसे पूछता है कि हुआ क्या था। उनमें से एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो गया और अब हम एक नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जैगुआर पो उनसे पूछना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था, और वह उनके पीछे जाने लगता है, पर उसके पिताजी जो इस कबीले के सरदार भी होते हैं वह जैगुआर को उसके पीछे जाने से रोक देते हैं। लेकिन जैगुआर कहीं ना कहीं अंदर से परेशान होता है और उसे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। उसके पिता उसे कहते हैं कि तुम काफी परेशान लग रहे हो। जैगुआर कहता है हाँ मैं हूँ। उसके पिता कहते हैं वह जो कबीला था उनके दिल में डर बैठ गया था और डर का कोई इलाज नहीं होता, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मत डरो और अपना यह डर लेकर तो गाँव में बिल्कुल भी मत जाना। अब ये सब के सब वापस अपने कबीले में आ जाते हैं और इनके कबीले का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। ये वहाँ पर भी बहुत हंसी मजाक करते हैं और वो आदमी जिसका सभी मजाक उड़ाते हैं उसे एक बूढ़ी औरत पकड़ लेती है जो उसकी सास होती है। वह उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे एक पोता चाहिए, अगर तुम मुझे पोता नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को ले आऊंगी। अब वह आदमी और उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं ताकि वह बच्चे के लिए फिर से कोशिश कर सकें। और आपको याद होगा कि हीरो के पिताजी ने उसे जंगल में एक दवा दी थी कि अपने लिंग पर लगा लेना और इससे बच्चे पैदा हो जाएंगे, पर जैसे ही वह उस दवा को लगाकर सहवास शुरू करता है उन दोनों को बहुत ही जलन होने लगती है और दोनों इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल वह कोई दवा नहीं होती बल्कि मिर्ची का पाउडर होता है, और उनको भागता देख कर सब बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अब हम जैगुआर पो को देखते हैं जो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है जो कि प्रेग्नेंट है, उसका एक बेटा भी है और वह इन दोनों से बहुत ही प्यार करता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि कबीले में सब नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, लेकिन जैगुआर पो कहीं ना कहीं खोया होता है क्योंकि आज सुबह उसने दूसरे कबीले की जो हालत देखी थी उसे कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ गया है। उसकी पत्नी पूछती है कि तुम इतने गुमसुम क्यों हो। वह उसे कुछ नहीं बताता और उसकी गोद में सिर रखकर सो जाता है। और रात में जैगुआर जब अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है जिससे वह जग जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कुछ हलचल हो रही है। वैसे भी आज सुबह उसने जो कबीले की हालत देखी थी उससे वह काफी घबराया हुआ होता है,
अगले ही पल हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही भयानक बहुत ही खुखार आदिवासी होता है। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं जो उसके इशारा करने पर मशाले लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जगुआर अपने घर से बाहर देखता है, उसे कुछ जलती हुई मशालें दिखाई देती हैं और वह समझ जाता है कि कुछ न कुछ खतरा है। वो अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है लेकिन तभी हमलावरों में से एक इन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है, लेकिन जगुआर पर उसे खत्म कर देता है। जगुआर अपने परिवार को लेकर एक सूखे कुएं के पास जाता है और वो अपने बेटे और अपनी पत्नी को जो कि प्रेग्नेंट होती है उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे कुएं में छोड़ना शुरू करता है। और जब वो नीचे जा ही रहे होते हैं तभी उन हमलावरों में से एक आदिवासी जगुआर को देख लेता है और वो भागता हुआ उसकी तरफ आता है, लेकिन जगुआर जल्दी जल्दी अपनी पत्नी और अपने बच्चे को नीचे छोड़ने लगता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तभी वो आदिवासी इन तक पहुंच जाता है पर जगुआर उसे पैर से गिरा देता है और इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिरता जगुआर उसका पैर पकड़कर खींच लेता है। वो आदिवासी जो कुएं के अंदर गिर रहा होता है वह देख लेता है कि जगुआर की पत्नी और उसका बच्चा अंदर है और इससे पहले कि वो किसी को बताता जगुआर उसे मार देता है। जगुआर अपनी पत्नी और अपने बच्चे से कहता है कि मुझे अपने लोगों की मदद के लिए जाना होगा। हालांकि उसकी पत्नी उसे जाने से मना करती है और उसे रोकती है, पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा, और ये कहकर वो अपने लोगों की मदद के लिए चला जाता है। वहाँ पर जगुआर के लगभग सभी लोगों को बंदी बना लिया होता है और कई लोगों को तो मार भी दिया होता है। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक आदिवासी होता है जिसका नाम होता है मिडिल आए। वो अपने चाकू से जगुआर के ऊपर हमला करता है और जगुआर को मारने ही वाला होता है, पर जगुआर उसका चाकू पकड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है और इससे पहले कि वह उसे मारता यहाँ पर इन सब का सरदार आ जाता है जो जगुआर को बंदी बना लेता है। हालांकि मिडिल आए जगुआर को यहाँ पर मारना चाहता है पर सरदार उसे रोकते हुए मना कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी जरूरत है। जगुआर के पिता भी बंदी होते हैं और वह अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दो पिताजी। मिडिल आई ये बात सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके पिता हैं, इसलिए वह जगुआर के सामने ही उसके पिता को मार देता है। इसके बाद वह जगुआर के ऊपर भी एक जोरदार वार करता है जिससे वह बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। जगुआर कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और उसका बेटा है। सरदार का बेटा उसे उस तरफ देखते हुए देख लेता है और वह कुएं के पास जाता है। वह देखता है कि कुएं के अंदर एक रस्सी लगी हुई है, इसलिए उसे शक होता है और वो कुएं के अंदर देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता क्योंकि जगुआर की पत्नी और बेटा कुएं के अंदर ही एक पत्थर के नीचे छुप जाते हैं। वो ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर भी फेंकता है लेकिन उसे कोई हलचल नजर नहीं आती। इसके बाद जो रस्सी लगी होती है वह उसे काट देता है, यानी कि अब चाहे कर भी जगुआर की पत्नी और बेटा ऊपर नहीं आ सकते थे। और अब इन्होंने जितने भी कबीले वालों को बंदी बनाया होता है इन सबको अपने साथ लेकर एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें वो कबीले वाले भी मिलते हैं जो सुबह इन्हें मिले थे, जिन्होंने इन्हें मछलियां दी थी जो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर अपना कबीला बसाने के लिए जा रहे थे। दरअसल इन खूंखार आदिवासियों ने उन्हें भी पकड़ लिया होता है और अब ये सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के सकरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। और फिर एक लंबे सफर के बाद ये खूंखार आदिवासी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और जब ये अपनी सरहद के बाहर ही होते हैं तब हमें बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि ये वो लोग हैं जिन्हें किसी तरह की कोई बीमारी हुई है जो छूने से फैलती है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो जिंदा होती है और वह इन खूंखार आदिवासियों के साथ आना चाहती है, लेकिन ये लोग उसे नहीं आने देते। और वो इन खूंखार आदिवासियों को जो इसी जगह से बिलोंग करते हैं उन्हें कहती है कि बहुत जल्द पवित्र समय आने वाला है जब दिन में अंधेरा हो जाएगा और एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। अब ये सब के सब वहाँ से आगे चले जाते हैं और तभी एक गांव आता है जहाँ पर बहुत सारे मजदूर होते हैं। उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है पर फिर भी उन्हें यहाँ पर काम करना पड़ता है, लेकिन इन्हें यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता और आगे ले जाया जाता है। अब कबीले का सरदार जो इन सबको यहाँ बंदी बनाकर लाया है उसके पास एक आदमी आता है। वो पूछता है कि कितने आदमी हैं। वो कहता है कि मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए, यानी कि ये लोग इन्हें यहाँ पर पकड़कर इसलिए लाए हैं ताकि इन्हें बेच सकें। यहाँ पर इंसानों को बेचा जाता है और इनके साथ जो बंदी औरतें होती हैं उनकी बोली लगाई जाती है और उन्हें बेच दिया जाता है। और बचे हुए आदमियों को यहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यह एक तरह का मंदिर होता है जहाँ पर इंसानों की बलि दी जा रही होती है, और अब जगुआर को उसकी बलि देने के लिए यहाँ पर ले जाया जाता है। दरअसल ये लोग ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं, और इससे पहले कि वो जगुआर को मारते सूर्य ग्रहण हो जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं और सब रुक कर प्रार्थना करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब सूर्य ग्रहण छट जाता है तो इनकी बलि नहीं दी जाती और इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है जहाँ पर एक लंबा सा ग्राउंड होता है और उसके दूसरी तरफ होता है मक्के का खेत जिनके पीछे होता है इनका जंगल। और अब इन सबसे बोला जाता है कि तुम भागो और अपने जंगल चले जाओ। यहाँ पर वो सरदार जो इन सबको बंदी बनाकर लाया होता है उसका एक बेटा भी होता है। उसका बेटा मक्के की झाड़ियों के पास चला जाता है ताकि कोई बच के ना भाग सके। और अब इन्हें एक एक करके भगाया जाता है और पीछे से ये लोग इनके ऊपर भाले और अलग अलग हथियार फेंकते हैं ताकि इन्हें मार सकें। इनके कई साथी मारे भी जाते हैं और अब जगुआर और उसका एक साथी भागते हैं।
ये थोड़ा दिमाग लगाते हैं और जिग जैग पैटर्न में भागते हैं ताकि उनके बार से बच सकें। लेकिन जगुआर के साथी को तीर लग जाता है और वो मारा जाता है। और जगुआर जैसे ही ग्राउंड के लास्ट में पहुंचता है तभी एक तीर उसके आर पार हो जाता है, लेकिन वो मरा नहीं होता, वह जिंदा होता है। यहाँ पर कबीले के सरदार का बेटा जो इन झाड़ियों के पास खड़ा था वह जगुआर को मारने के लिए उसके पास आता है, और इससे पहले कि वह उसे मारता वहीं पर एक जख्मी आदमी होता है जो उसे गिरा देता है। लेकिन कबीले के सरदार का बेटा उसे मार देता है और इसके बाद वह चाकू निकालकर जगुआर को मारने के लिए आता है। पर इससे पहले कि वह उसे मारता जगुआर को जो तीर लगा हुआ था उसने उसकी नोक तोड़ ली थी और उसकी मदद से उसके गले को चीर देता है, जिससे सरदार के बेटे की मौत हो जाती है और जगुआर यहाँ से झाड़ियों में भाग जाता है। दरअसल ये खुंखार आदिवासी जगुआर और उसके कबीले वालों को सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए मार रहे होते हैं। अब जगुआर यहाँ से भाग जाता है और वो घायल भी होता है और भागते भागते एक गिरे हुए पेड़ के ऊपर जो कि ऊपर की तरफ जा रहा होता है उस पर चढ़ जाता है और छुप जाता है। दूसरी तरफ कबीले के सरदार का बेटा मर चुका होता है जिसे वह पूरी तरह से बौखला जाता है और अब वह किसी भी तरह से जगुआर को खत्म करना चाहता है, इसलिए वह अपने साथियों के साथ जगुआर का पीछा करना शुरू कर देता है। ये सब के सब उस पेड़ के नीचे से गुजरते हैं जिसके ऊपर जगुआर होता है, लेकिन ये उसे देख नहीं पाते। और कुछ दूर जाने के बाद कबीले का सरदार अपने एक आदमी के कंधे पर खून देखता है जो कि उसका नहीं होता। वह समझ जाता है कि यह जगुआर का ही खून होगा जो कि किसी पेड़ के ऊपर है, इसलिए अब सब के सब वापस जगुआर को ढूंढने के लिए आते हैं। वहीं जिस पेड़ पर जगुआर होता है वो देखता है कि वहाँ पर एक जगुआर यानी जानवर का बच्चा होता है, और तभी उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और जगुआर पर हमला कर देती है। जगुआर पूरा भागना शुरू करता है और जिस तरफ वो कबीले वाले गए होते हैं उन्हीं की तरफ वह भागने लगता है। जगुआर अपनी पूरी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे खूंखार जानवर होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जानवर जगुआर पो को पकड़ता उसके और उस जानवर के बीच में एक कबीले वाला आदमी जो कि जगुआर को मारना चाहता है वो आ जाता है और वो जानवर उसे मार देता है। जगुआर यहाँ से तो बचकर निकल जाता है लेकिन कबीले वाले अब भी लगातार उसका पीछा कर रहे होते हैं, और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर रास्ता खत्म हो जाता है। दरअसल ये बहुत ही ऊंचा झरना होता है और यहाँ से कूदने का मतलब शायद मौत है, लेकिन उसके पीछे भी मौत है इसलिए जगुआर वहाँ से कूद जाता है। उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाता है और किनारे पर पहुँच जाता है, और जब वो ऊपर देखता है तो वहाँ पर कबीले का सरदार और उसके बहुत सारे आदमी उसे देख रहे होते हैं। जगुआर अब इन लोगों को ललकारता है क्योंकि वह अपने जंगल में आ चुका था जहाँ पर वो शिकार किया करता था। वह कहता है कि मेरे दादा ने यहाँ पर शिकार किया था, मेरे पिता ने यहाँ पर शिकार किया था, मैंने भी यहाँ पर शिकार किया और मेरे बच्चे भी यहाँ पर शिकार करेंगे, अगर हिम्मत है तो आ जाओ। ऊपर कबीले के सरदार के साथ एक आदमी होता है, वो कहता है कि हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चले जाना चाहिए। दरअसल उसे उस बच्चे की भविष्यवाणी याद आती है जिसने उसे कहा था कि तुम सबका अंत होगा, एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारे जंगल से बाहर ले जाएगा और इसके बाद तुम कभी वापस नहीं आओगे। सरदार उसे चाकू मार देता है यानी कि वह अपने आदमी को ही मार देता है, और इसके बाद ये खूंखार आदिवासी एक एक करके वहाँ से कूदते हैं। इसकी वजह से इनके एक आदमी की मौत भी हो जाती है पर बाकी बचकर किनारे पर आ जाते हैं और जगुआर के पीछे जाते हैं। जगुआर वो आगे भाग रहा होता है और तभी अचानक एक दलदल में गिर जाता है। वह किसी तरह से अपने आप को उस दलदल से निकालता है और उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग चुका होता है। तभी उसका दिमाग घूमता है और वह भागते हुए एक जगह पर रुक जाता है और वह अपने आप से कहता है, मैं हूँ जगुआर पो और ये जंगल मेरा है और मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता, मैं किसी से नहीं डरता। और इसके बाद वह उन आदिवासियों से डर के भागता नहीं है बल्कि उन आदिवासियों को जो इसके पीछे आ रहे होते हैं अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर एक एक करके सबको मारना शुरू करता है। सबसे पहले वह उनके ऊपर मधुमक्खियां छोड़ता है और इसके बाद वह मेढक के जहर से एक आदमी को मार देता है, और तभी उसके सामने वो आदमी आ जाता है जिसने इसके पिताजी को मारा था यानी कि मिडिल आए। जगुआर पो देखता है कि बीच में एक हथियार पड़ा हुआ है और मिडिल आए उसकी तरफ भागना शुरू करता है और वह भी उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, और जैसे ही जगुआर हथियार के पास पहुंचता है वह अपने घुटनों के बल घिसटता हुआ उस हथियार को उठा लेता है। मिडिल आए उस पर वार करता है लेकिन वह चूक जाता है, लेकिन जगुआर पो अपने वार से नहीं चूकता और वह उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जगुआर पो की बीवी और बच्चा कुएं के अंदर होते हैं जहाँ पर लगातार पानी भर रहा होता है। उसकी पत्नी को अब यहाँ पर लेबर पेन भी शुरू हो जाता है यानी कि किसी भी वक्त उसकी डिलीवरी हो सकती है, और जगुआर पो भागता हुआ कुएं तक पहुँच जाता है। उसके बीवी बच्चे उससे बोलते हैं कि हमें बाहर निकालो क्योंकि वह डूब रहे होते हैं, पर अब भी बचे हुए तीन आदिवासी उसके पीछे आ रहे होते हैं। उन तीनों में से दो आदिवासी कुएं पर रुक जाते हैं क्योंकि वह देखना चाहते हैं कि कुएं के अंदर कौन है। वह उसके बीवी और बच्चों को देख लेते हैं, और कबीले का सरदार जो कि सबसे ज्यादा खूंखार है वह जगुआर के पीछे भाग रहा होता है, और जगुआर भागते भागते अचानक एक जगह रुक जाता है। जगुआर ने उसके बेटे को मारा था इसलिए वह उसे दूर से ही तीर मारता है जो कि उसके दिल के थोड़ा सा ऊपर लगता है। जगुआर अब जख्मी हो जाता है लेकिन फिर भी वह खड़ा होकर कबीले के सरदार को चैलेंज करता है। कबीले का सरदार अपना तीर कमान नीचे फेंक देता है और चाकू निकालता है और जगुआर की तरफ भागना शुरू कर देता है, और तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है। दरअसल ये वही फंदा होता है जो जगुआर और उसके कबीले वाले जानवरों को मारने के लिए लगाते थे, जिस तरह से इस कहानी की शुरुआत में भी उन्होंने एक सुअर को मारा था। और जैसे ही उसका पैर उस फंदे से टकराता है सामने से एक बहुत बड़ी लकड़ी आती है जिसमें बहुत नुकीली नुकीली लकड़ियां लगी होती हैं। वह उसकी छाती से टकराती हैं और उसके शरीर के आर पार हो जाती हैं, और कबीले के सरदार की यहीं पर मौत हो जाती है।
अब जगुआर को यहाँ से भी भागना पड़ता है क्योंकि बचे हुए दो आदमी इसी की तरफ आ रहे होते हैं। वहीं कुएं के अंदर दिखाया जाता है जहाँ लगातार पानी भर रहा होता है। जगुआर की पत्नी अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है और इसी सर्कमस्टांसेस में वह एक और बच्चे को जन्म देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और जगुआर पो को दिखाया जाता है जो भागते भागते समंदर किनारे पर पहुंचता है और यह काफी थक चुका होता है, इसलिए यह रुक जाता है और हैरानी से समंदर की तरफ देखने लगता है। अब वो दो आदिवासी जो जगुआर को मारना चाहते थे वो भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं, पर वह उसे नहीं मारते, वो भी समंदर की तरफ देखने लगते हैं। अब समंदर में हमें बड़े बड़े जहाज दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर लंगर डाल रहे होते हैं और छोटी छोटी कश्तियों में कुछ लोग इनके टापू की तरफ आ रहे होते हैं। अब जगुआर को मौका मिल जाता है और वह भागते हुए कुएं के पास पहुंचता है जहां पर उसकी पत्नी और बच्चे डूबने वाले होते हैं, लेकिन वह अपने परिवार को बचा लेता है। अब अंत में हमें दिखाया जाता है कि जगुआर अपने परिवार के साथ जंगल में होता है और उसकी पत्नी समंदर में बड़े बड़े जहाजों को देखते हुए पूछती है कि क्या हमें उस तरफ जाना चाहिए। जगुआर कहता है हमें जंगल में जाना चाहिए ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, और वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। दरअसल इन बड़े बड़े जहाजों में जो लोग आए होते हैं वो यूरोपियंस होते हैं जो यहाँ पर इस टापू पर अपना कब्जा जमाने के लिए आए हैं, और इनके पास इतने आधुनिक हथियार होते हैं कि ये आदिवासी कबीले वाले जिन्हें माया सभ्यता कहा जाता है वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एपोकलिप्टो वर्ल्ड सिनेमा की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी में माया लैंग्वेज का यूज किया गया है जिसकी वजह से इस मूवी की भाषा किसी को समझ ही नहीं आती, लेकिन इसे इतने अच्छे से डायरेक्ट किया गया है कि इसमें भाषा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हम हर किसी को रेकमेंड करेंगे कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी अपने आप में ही एक मास्टरपीस है जो सन 2006 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.8। और अगर आपको यह मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि यह मूवी आपको कैसी लगी। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।